सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी एक ऐसी बेस्ट वेबसाइट है जिससे हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हम एक एक्सपर्ट तो है नहीं कि हमें फंडामेंटली सारी चीज़ें पता होंगी कि हमें कौन से स्टॉक में क्या चीज़ देखनी चाहिए जिससे हम पता लगा पाए कि स्टॉक में अपसाइड है कि नहीं है। ना हम वैल्यूएशन निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कि हमें पता लगे कि ये ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ये क्वालिटी कंपनी है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें एक हमें वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए जिससे हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को सर्च करें तो वो हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बता दे कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आईआरबी इंफ्रा के बारे में बात करते हैं, तो उस कंपनी की क्वालिटी कैसी है, उस कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, क्वार्टरली क्वार्टरली कैसा रिजल्ट दे रही है, अपने पीयर्स के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी कैसी है, अपने पीयर्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन कैसी है। तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हमें बताती हैं ऐसी चीजें, पर मैं आपके लिए चुन के लाया हूं बेस्ट वेबसाइट जिसमें अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस यानी कि अगर आपको चार्ट्स देखना नहीं आता या आपके पास अगर चार्ट्स नहीं है, अगर आप देख नहीं सकते चार्ट्स, तो आप उस वेबसाइट के अंदर जाके आप खुद पता लगा सकते हैं हाँ ये कंपनी का, वरना ये पर्टिकुलर शेयर का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, अभी भी इसमें वीकली या मंथली अपसाइड बाकी है, माइल्डली बुलिश है या बीरिश है। तो ये वेबसाइट सारी चीजें बताती है। तो हम बढ़ते हैं इस वेबसाइट की तरफ, तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूं गूगल में। तो गूगल में हमें सर्च करना है मार्केट मोजो। तो ये मार्केट मोजो एक वेबसाइट है, यहां पर आपको सर्च करना है। आपको सबसे पहला लिंक दिख जाएगा, यहां पर आपको जाना है मार्केट मोजो के अंदर। जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे तो यहां पर आपको एक कुछ ऐसा डेस्कटॉप आते हुए देखने को मिलेगा सेटअप। तो ये एक सेटअप है, आपको यहां पर अभी तो मेरा ओपन था तो आपको दिख गया, आपको ये सेटअप आते हुए दिखेगा। तो यहां पर अब आपको यहां पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, सर्च स्टॉक्स। तो आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, या अगर आपके कोई पोर्टफोलियो में अगर आपको उसकी क्वालिटी वैल्यूएशन चेक करनी है, उसके रिजल्ट चेक करने हैं, तो सारी चीजें आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चलते हैं आईआरबी इंफ्रा की तरफ, आईआरबी इंफ्रा, तो अगर आप कुछ वर्ड्स ही डालेंगे तो आपको शो कर जाएगा कि क्या क्या उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वहां पर आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये एक स्ट्रक्चर आते हुए दिखेगा जो भी पूरी वेबसाइट का है। तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जिस प्राइस में उसने क्लोजिंग दी है। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने यहाँ पर अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें वो बताती है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो आपको यहाँ पर ये क्वालिटी और वैल्यूएशन को चेक करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी को बाय करना चाहते हैं तो आप नियर टर्म ड्रिवन को देख सकते हैं या क्वार्टरली फाइनेंशियल ट्रेंड्स और टेक्निकल्स को। तो अब जैसे हम पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सर्च कर रहे हैं, अब हमें निकालना है कि ये कंपनी कैसी है। तो अब बढ़ते हैं इस कंपनी के, हम फंडामेंटल चेक करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर खुद लिखा हुआ दिख जाएगा टेक्निकल्स। अब हमें देखना, हमें यार इसे तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है, हम अराउंड 3 से 6 महीने हम इसे बाय करने के लिए रख सकते हैं, हमने होल्डिंग्स में रख सकते हैं। तो अब हमें इसका ट्रेंड चेक करना है, तो हम क्या ट्रेंड चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसके टेक्निकल्स को देखेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिख रहा है माइल्डली बुलिश, तो अभी भी हम कह सकते हैं इसका जो ट्रेंड है वो माइल्डली बुलिश है। अगर हम बात करें तो आपको पहले पूरा रीड करना पड़ेगा, टेक्निकल ट्रेंड टर्न माइल्डली बुलिश फ्रॉम बुलिश ऑन 18th May 2018 एट ₹237। तो 18th May 2018 को इसका जो प्राइस था 237 था, वहां से ये बुलिश माइल्डली बुलिश हो गया था और हमने इसमें अपसाइड आते हुए देखी, तो हम कह सकते हैं ये टेक्निकल्स के मामले में बुलिश था। तो आपको डेट यहाँ देखनी पड़ेगी कि कौन से डेट से ये सजेस्ट कर रहा है। आप ये ना देखिए कि आज मार्केट करंट मार्केट प्राइस से ही ये अभी भी बुलिश साइन हमें शो कर रहा है। तो ये हर एक हफ्ते दो हफ्ते में इसका टेक्निकल्स चेंज होते रहता है, तो आप इसे इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो अब हमें पूरा रिजल्ट पढ़ना पड़ेगा कि इसके क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्या मार्जिन है, क्या सेल्स हुई है। इससे अच्छा हम सीधा ये पढ़ लेंगे कि क्या हमारे लिए अच्छी चीज है। तो इस कंपनी के लिए अच्छी चीज क्या थी, जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंटरेस्ट था वो 3.15 टाइम्स हायर था, जो इस कंपनी के लिए अच्छा था। ईपीएस की बात करें तो 6.82 था, जो इस कंपनी के लिए अच्छा था। तब इस कंपनी के लिए अच्छा क्या नहीं था, इस कंपनी के लिए अच्छा ये नहीं था कि जो इसके पिछले क्वार्टर से अब क्वार्टर में हमने -5.7% तक का फॉल देखा था नेट सेल्स के अंदर, और आईटीआर भी जो था वो 11.53 टाइम्स लोएस्ट था। तो इस दो चीजों से हम बॉक्सेस से पता लगा सकते हैं कि इसका शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो कैसा है, बुलिश है या नेगेटिव है। अगर हम बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें देखना पड़ता है कि वैल्यूएशन वाइज कैसे हैं। तो यहाँ आपको वैल्यूएशन दिख जाएगा, क्वालिटी कंपनी की कैसी है तो वो क्वालिटी दिख जाएगी। अब आपको इसे इजिली ऑब्जर्व करना है कि ये जो कंपनी है, जो इस कंपनी की क्वालिटी कैसी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे ऑब्जर्व करना है। तो अब हम बढ़ते हैं इस कंपनी की क्वालिटी की तरफ। आपको यहाँ साइट दिख रही होंगी मेन्यूज, यहाँ पर आपको क्वालिटी में क्लिक करना है। क्वालिटी में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं। और इस वेबसाइट में एक खासियत है कि आप अपने पीयर्स के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि उस पीयर के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी कैसी है। तो अब बढ़ते हैं, अगर हम पहले पीयर के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये हमें पीयर्स शो कर रहे हैं इस कंपनी के। तो ये इस कंपनी के पीयर्स हैं, मतलब कॉम्पिटिटर्स इस कंपनी के हिसाब से। अगर हम सीमेंट्स की बात करते हैं, जो इस कंपनी का पीयर है, तो उसकी गुड क्वालिटी है, हम कह सकते हैं क्वालिटी वाइज ये गुड है। आईआरबी इंफ्रा भी गुड क्वालिटी है। अगर हम बिलो एवरेज देखें तो बिलो एवरेज सद्भाव इंजीनियरिंग है। हम एवरेज देखते हैं तो हमें एवरेज दिख रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें क्वालिटी वाइज बता देती है। इसकी ग्रोथ कैसी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहा है नहीं दे रहा है, इसका कंपनी की साइज कितनी बड़ी है, एफिशिएंसी है कि नहीं है, सारी चीजें ये क्वालिटी के अंदर एक्सप्लेन कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये येलो ग्रीन और रेड निशान, ये जो डॉट्स बने हुए ये क्या है। अगर हम एक पे भी क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ग्रीन निशान शो कर रहा है। जो ये ग्रीन डॉट है वो हमें बताता है कि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अगर ये येलो डॉट होता है तो येलो डॉट बताता है कि इसकी जो क्वालिटी या वैल्यूएशन है वो फेयर है। अगर रेड होता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक एक्सपेंसिव है। जैसे अब यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी की क्वालिटी भी बिलो एवरेज है, वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है, फाइनेंशियल ट्रेंड भी इसका कमजोर है। हम बात करें सद्भाव इंजीनियरिंग की। अब बढ़ते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। तो वैल्यूएशन के लिए हमें निकालना कुछ नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पर ये लोग स्नैपशॉट दे देते हैं कि हम पता खुद लगा लें कि इस कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। अगर ये 21 से 297 के बीच में रेंज करता है स्टॉक, तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यूएशन जो है अट्रैक्टिव है। 299 से 436 के बीच में रेंज करता है तो हम कह सकते हैं फेयर वैल्यूएशन है। 439 से 5715 तक ये अगर जाता है तो हम कह सकते हैं एक्सपेंसिव है। तो आप इजिली फॉलो कर सकते हैं इस वेबसाइट को और आप पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यूएशन कैसी है, अट्रैक्टिव है नहीं है। तो यहाँ पर आपको खुद देख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि इस कंपनी पीएस के अकॉर्डिंग सबसे वैल्यूएशन स्टॉक मुझे सिर्फ यहाँ पर दो ही दिख रहे हैं अट्रैक्टिव, जो कि आईआरबी इंफ्रा है और जीई पावर इंडिया है। अब अगर आप एग्जाम्पल के दौर में माने कि आप सोचते हैं कि नहीं यार, इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट में ऐलान हुआ है, तो हम कह सकते हैं आने वाले 2-3 सालों में ये सेक्टर है जो आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मैं इस सेक्टर के कौन से स्टॉक्स को चुनूं, मुझे तो स्टॉक्स वही चुनने पड़ेंगे जिसके वैल्यूएशन अच्छी होगी, सस्ती वैल्यूएशन में मिल रहा होगा, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी कंपनी की। तो आप इस वेबसाइट में जाके खुद देख सकते हैं। अगर आपको अब वैल्यूएशन वाइज देखना है कि मुझे कौन से स्टॉक्स चुनने हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कंपनी के अंदर, तो आपको यहाँ पर दो दिख रहे होंगे, जीई पावर एंड इंडिया और आईआरबी इंफ्रा। तो अब आप इन दोनों स्टॉक को रिसर्च कर सकते हैं इस वेबसाइट के अंदर ही और पता लगा सकते हैं कौन सी दोनों में से बेस्ट कंपनी है, उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर हम इसके रिकमेंडेशन की तरफ बढ़े तो बहुत से जो ब्रोकर्स हैं वो भी रिकमेंडेशन देते रहते हैं इस कंपनी के ऊपर, हर कंपनीज के ऊपर लोग रिकमेंडेशन देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोटक सिक्योरिटी ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है बाय करने की, एक्युमुलेट करने की उसने दी है, आईसीआईसी डायरेक्ट ने यहाँ पर होल्ड करने की पोजीशन बनाते हुए दी है। आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने कब यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी, 4 मई 2018 को दी थी या 7 मई 2018 को दी थी। अगर हम बढ़ते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ, तो फाइनेंशियल्स में हमें यहाँ पर शो करता है, अगर आप यहाँ पर जा सकते हैं फाइनेंशियल्स में, आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाता है, हाफ ईयरली, एनुअली, नाइन्थ मंथ्स का भी रिजल्ट दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सब ये इस फाइनेंशियल्स के अंदर दिखाता है। अब बढ़ते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नेट सेल्स दिख रहा होगा कंसिस्टेंटली दिसंबर 2017 से मार्च 2017 में इसने इंक्रीज दिया है। यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज भी हमें देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये कम डाटा लग रहा है तो आप यहाँ नीचे ऑल डाटा में जा सकते हैं। ऑल डाटा में आपको यहाँ पर पूरी डाटा मिल जाएगी कि दो पिछले 5-6-7 क्वार्टर से लेकर अभी तक ने इसने परफॉर्मेंस क्या दिया है। तो आप यहाँ पूरा इसको स्क्रोल करके नीचे तक देख सकते हैं, इसका ईपीएस सब देख सकते हैं। अगर हम बढ़ते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो यहाँ पर हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को मिलता है कि प्रोमोटर्स के पास कितनी है, FIIs के पास कितनी है, म्यूचुअल फंड्स के पास कितनी है, और उन्होंने हर क्वार्टर इंक्रीज करता करा अपने इस शेयर होल्डिंग को। तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2017 और मार्च 2018 का हमें शो कर रहा है, जिसमें FII ने यहाँ पर 0.32% का चेंज करा है, मतलब पॉजिटिव चेंज करा है बाइंग पोजीशन में। म्यूचुअल फंड्स ने भी 0.08% का कंसिस्टेंट इंक्रीज दिखाया है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग्स कितनी है, 0.25% प्रमोटर होल्डिंग है। तो ये बहुत सी खास चीजें हैं जो आप इस वेबसाइट के अंदर देख सकते हैं कि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने क्या शेयर्स को प्लेज करके रखा है, कितने परसेंटेज से प्लेज करके रखा हुआ है, क्या इसके प्रमोटर होल्डिंग है। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। और इसके पास चीजें, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं और आपको यहाँ पर ये डॉट्स देखेंगे, आपको लास्ट डॉट में क्लिक करना है, आप सीधे यहाँ पर आ जाएंगे और आप किसी भी इस सेक्टर के अंदर की कंपनी से इस शेयर होल्डिंग को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको IRB इंफ्रा दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको L&T दिख रहा होगा। अब आपको देखना है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है। अब आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर निल है, यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें L&T ने शो नहीं कर रखा है इस कंपनी इस वेबसाइट के अंदर, तो हम कह नहीं सकते। अगर हम FIIs की बात करें तो यहाँ पर FIIs की जो होल्डिंग है L&T के अंदर 18.82% है, FIIs की जो होल्डिंग IRB इंफ्रा के पास है वो 23.87% है। म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो IRB के पास जो IRB की होल्डिंग है वो 8.37 है और L&T की जो है 14.75% है। तो आप ऐसे किसी भी सेक्टर के कंपनीज को भी एनालाइज कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना शेयर होल्डिंग के हिसाब से देख सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल की तरह बढ़ते हैं, अब हमें इस कंपनी के बारे में जानना है। तो यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में कुछ बता देगा कि कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से हैं, ये किस इंडस्ट्री में काम करती है, क्या इसने बोनस दिया है, क्या ये डिविडेंड देती है नहीं देती है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो कर जाती है। तो अगर हम बढ़ते हैं अब इसके नए पार्ट की तरफ, इस वेबसाइट के अंदर एक खास चीज क्या है, तो इस वेबसाइट के अंदर खास चीज ये है कि आप अपना खुद का पोर्टफोलियो इसमें बना सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यूएशन वाइज कैसी है। अब जैसे कि मैंने अपने यहाँ पर एक स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है आपको एग्जांपल दौर के देने के लिए, तो जैसा कि यहाँ पर मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 740 पे इसको बाय करा था जुबिलेंट लाइफ साइंस को, और इसका प्राइस जो चल रहा है 780 चल रहा है। हम देख सकते हैं कि इसने जो अभी तक गेन हमें दिख रहा है वो 401 का दिख रहा है, और आज जो टोटल हमें लॉस हुआ है, आज जो डेली में आज इसने लॉस दिया है वो 403 का दिया है। तो अगर अब आपको इसके डिविडेंड के बारे में चेक करना हो, इसका टैक्स स्ट्रक्चर देखना हो, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हो, तो आप खुद इसमें क्लिक करेंगे। जैसे मुझे इस जुबिलेंट लाइफ साइंस का फाइनेंशियल्स देखने हैं, तो अब मैं इस फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ूंगा तो यहाँ पर मुझे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स तक दिखा देगा कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं नेट सेल्स में इसने इतना इंक्रीज करा है और अदर इनकम इतना है। तो ये एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है जो आपको शो करेगी। अगर हम इसके रिकमेंडेशंस की तरफ बढ़ते हैं तो ये बहुत बढ़िया चीज है रिकमेंडेशन। अब जैसे हम बढ़ते हैं कि जैसे हमें DHFL देखना है, अब DHFL किसी ने होल्ड करा हुआ है कोई कंपनी की, हमें रिपोर्ट देखनी है DHFL के ऊपर। अगर हम देखते हैं हमें सर्च रिकमेंडेशंस में जाना होगा, हम यहाँ पर सर्च करते हैं DHFL, तो यहाँ पर आपको कंपनी शो कर जाएगी। आपको यहाँ कंपनी में क्लिक करना होगा, कंपनी में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन से जो ब्रोकर हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, वो यहाँ पर हमें कंपनी के बारे में बताती है। तो ये एक चोलामंडलम सिक्योरिटीज है, ये जो लिस्टेड भी है कंपनी, उसने हमें बाय की रेटिंग दी है जिसका टारगेट हमें 631 तक का दिया है, जो कि हमें 4 मई को बताया था। अब हमें इस कंपनी की रिपोर्ट को चेक करना, तो यहाँ पर आप PDF से रिव्यू रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने ऐसी बाय रेटिंग क्यों दी है, ऐसा क्या इस स्टॉक के अंदर हुआ है जो इन्होंने बाय की रेटिंग दिया है, ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप व्यू रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली PDF डाउनलोड हो जाएगी, आप उसमें क्लिक करके उस PDF को पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से उस कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं।
चीज थी जो मैंने आपको इस बेस्ट वेबसाइट के अंदर बता दी, आप खुद ही अपना ट्रेंड बता सकते हैं कि ये चार्ट और ये स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है, माइल्डली बियरिश या बुलिश है कि नहीं है, और पूरे ट्रेंड से ये हमें स्टॉक को बता देता है। तो ये वेबसाइट अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ ये मुझे वेबसाइट पसंद आई है। आप अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इमेजिनरी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिससे अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं वरना आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट में अपनी होल्डिंग बना के रख सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि हाँ ये वेबसाइट दिखाएगा तो मैं इसे बाय कर लूंगा। तो अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, अगर आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आप हर दिन मेरे साथ पा पाएंगे और मैं आपके साथ यूजफुल इन्फॉर्मेशन हर दिन शेयर करते रहूंगा। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।